हमने अटल टनल को क्रॉस कर लिया है, यहाँ की जो टॉप स्पीड है ना 40 से ऊपर ना ले जाइएगा, नहीं तो मामू चालान दे देंगे। लेकिन आज धूप बहुत तेज है, थोड़ी बहुत बारिश थी वो भी पिघल गई होगी। आज बहुत तेज धूप है भाई, ये देखो। पर हमारे साथ जो दो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। ये देखिए आप, कितना स्नो है इस साइड। आज अभी टूरिस्ट आया भी नहीं है, सबका दिल टूट चुका। नहीं, कल यहाँ पे जब आए थे बहुत टूरिस्ट था यहाँ खेला था, अभी कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं, सबका दिल टूट चुका कल, सब वापस बैक टू पवेलियन। हाँ, ये भी है कि लोग सब घर चले गए। देखो यहाँ से आप ले जा सकते हैं 400 किलोमीटर और इधर रोहतांग ला जा सकते हैं 27 किलोमीटर और काजा भी जा सकते हैं, मतलब कि काजा का हो गया है स्पीति वैली। लेकिन हम आज जाएंगे ले, और कोई हमारे ना ले ले बस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज है हमारा मनाली में डे टू, ट्रिप का तो है शायद चौथा दिन हम जब घर से निकले, लेकिन मनाली का जो आज हमारा नहीं डे थ्री, हाँ थ्री आज डे, क्योंकि पहले दिन तो हम पहुँच के लोकल घूमे, कल हमने कुक्सर घूमे, इस समय हम हैं सिसु में। सिसु वैसे तो बंद है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे 15 जनवरी से 28 फरवरी तक कोई देवता की पूजा है, तो इस चक्कर में सिसु को बंद कर रखा है, टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए बंद कर रखा है। आपका आना जाना मना नहीं है, बस जो टूरिस्ट का जो एक्टिविटी जहाँ होती है, जैसा कि जो लेक के पास है सिसु लेक, वो पूरा रोड बंद है। हम उससे पहले ही रुक गए हैं यहाँ पर, फोटो खिंचा रहे हैं ये लोग, दिखाता हूँ। यहाँ पर ये लोग फोटो खिंचा रहे हैं और हम बिल्कुल हैं नदी के बगल में। इस साइड तो कुछ भी स्नो नहीं है, लेकिन इस साइड देखो भाई कितनी स्नो है। उसका रीज़न ये है, इस साइड सूरज पड़ता है, इस साइड सूरज पूरा प्रॉपर पड़ता नहीं है, इस चक्कर में यहाँ पे स्नो अभी भी है। और पानी का बहाव बहुत तेज है, बहुत तेज है, और इधर फोटो खींची जा रही है, और ये विमान दिखा रहे हैं स्नो, और हमारी गाड़ी वो खड़ी है। हमारा प्लान अभी है किलोंग तक, या अगर सिंकुला का रास्ता खुला हुआ तो हम सिंकुला तक जाएंगे, बाकी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और उधर भी कुछ टूरिस्ट हैं, वहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, तो चलते हैं, जैसा आगे का होता है बताते हैं। हाँ, सिसु आने के लिए अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको 300 रुपये का टैक्स देना पड़ता है, वो होता है ग्रीन टैक्स गाड़ी का। वो जैसे ही आप अटल टनल क्रॉस करेंगे और लेफ्ट राइट मुड़ेंगे वैसे ही मिलेगा आपको। पानी कितना ठंडा हुआ आपको इससे आइडिया लग रहा होगा, कि देखिए वहाँ पर पूरी पूरी एक बर्फ की सिल्ली बन गई है, ये देख रहे हैं पत्थर के पास। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको 10x, मेरे वहाँ से तो बहुत दूर है मेरे पास से, लेकिन कितना ठंडा पानी है भाई। देखो उधर भी है, इधर भी कहीं जमी है, ये देखिए कितनी जम गई है भाई, ये देखो। रात में जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है, ये देखिए कितना जमा है। और इस पर एक चेतावनी भी लगी है, अगर आप इसके पास फोटो खिंचाएंगे और आपका पैर स्लिप हो गया ना तो आप ठंड के मारे मर जाएंगे, पानी तो ठंडा है। तो लाहौल में आपका वेलकम है, ये लाहौल का गेट है वेलकम करने के लिए। ये जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे आप या जिस भी गांव में जाएंगे आप ना, ऐसे गेट वेलकम करने के लिए मिलते हैं यहाँ से लद्दाख तक। तो हमने इंटर कर लिया है, और देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ी थोड़ी स्नो बची है जो गिरी थी, क्योंकि यहाँ पे पेड़ के चक्कर में पूरी धूप नहीं आती है। और हम अब जा रहे हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बर्फ़ है नहीं, थोड़ी बहुत इससे पड़ी है, आगे देखते हैं कहाँ बर्फ़ मिलती है। मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कुक्सर घूम चुके थे तो मज़ा नहीं आई कल हमको, हम सोचा आज इधर जाते हैं। और ये देखिए दो गधे बच्चे मेरे कहाँ बैठे हैं। और ये है हमारा शिशु का हेलीपैड एरिया, जो कि यहाँ पे एक्टिविटीज होती थी और फिलहाल के लिए बंद है, और सिर्फ इतना ही बंद है। जो रील आ रही है कि पूरा शिशु बंद है 28 तक, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कहीं पे भी नहीं रोका गया है और हम लोग आराम से आगे जा रहे हैं। सिर्फ इतना एरिया बंद है, सिर्फ एक्टिविटीज बंद है, तो कोई भी फालतू की बातों में ना आए, कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको कहीं नहीं रोका जाएगा, आप आराम से आ सकते हो, बस ये पॉइंट बंद है। हम जा रहे हैं यांगला स्नो पॉइंट। रास्ता देखिए कैसा है, रास्ता बड़ा स्टीप है और ऑफरोडिंग वाला है। यही तो ढूंढ रहे थे हम, यही तो ढूंढ रहे थे हम लोग, यही चाहिए बस, स्नो पॉइंट और स्नो मिल जाए। अरे हाँ है, वो देखिए गाइस, हां भाई है। तो फिर से आज 4x4 लगेगा, कल भी लगा था, आज भी लगेगा। स्नो में कूदेंगे गाड़ी अपनी। क्या मजा आ रहा है। हाँ भाई मजा आ रहा है, भाई मजा आ रहा है ना, जो लद्दाख की याद दिला रहा है पूरा।
वो देखिए गाइस, पेड़ और पूरी बर्फ जमी हुई है, स्नो ट्री बन चुका है। क्या क्या है ये? क्या भाई, पानी पेड़ जमा हुआ है। देखिए हम लोग गाइस उस पुल से जाएंगे हमारी गाड़ी लेके। अरे कितना स्टीप है नीचे, सीढ़ी डलान है ये। देखिए सीढ़ी डलान नीचे, घूमे कैसे बहुत ज्यादा। बाप रे बाप, ये नीचे आओ बच्चों, नीचे आओ पहले। ये है जहाँ हम नीचे अपनी गाड़ी उतार रहे हैं और ये है रास्ता, और रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एडवेंचर लवर्स के लिए यहाँ जाता है। अब हम पहुँच चुके हैं ये आंगला स्नो पॉइंट। गाड़ी आपको इधर खड़ी करनी पड़ेगी या ऊपर खड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लोहे लगा रखे हैं जानबूझ के, ताकि कोई कार क्रॉस ना करे। फिर ये ब्रिज है, इस ब्रिज को आपको क्रॉस करना है। ये पूरा टीन का ब्रिज है भाई, बहुत खतरनाक ब्रिज है। ये पैराग्लाइडिंग हो रही है। सिया रौनक, सिया को ना मरना। तो यहाँ पे इतनी स्नो है भाई, ये स्नो भी फ्रेश है, मतलब फ्रेश क्या, लास्ट मंथ जो गिरी थी वही है, लेकिन फिर भी पैर दब रहे हैं, मतलब एकदम तो जमी नहीं है, जैसे कि शिशु की हो गई है उस साइड की हो गई है, ये इतनी जमी नहीं है, भुसभुसी टाइप की है अभी भी, ये चलने पे आवाज़ आ रही है, नहीं तो उस पर तो स्लिप होता है। अभी रौनक ने ये ट्यूब वाली एक्टिविटी की थी, वो रील बनी है, वो आपको दिखाऊंगा मैं, ये जैसे ये भैया कर रहे हैं। ये देखिए आ रहे हैं, ये सब एक्टिविटी यहाँ पे होती है, यहाँ की स्नो भी फ्रेश है। पैर धस रहे हैं, हाँ ब्रेक नहीं लग रही थी, तो कोई बात नहीं। क्या कर रही हो बच्चों? सिया सिया स्नोमैन बना रही हो? हाँ मुझे पता, तुमको फेवरेट तुम्हारा है। तो मैडम रील बनाए आपकी कुछ, चलिए आइए। सिया क्या कर रही हो? सिया जरा सबको बता दो क्या कर रही हो। ये मेरा निव्या का लिप बाम है जिसको सिया ने गाड़ दिया है ना, छुपाओ। सिया को मजा आ रही है। अब ये भाई भी कर रहे हैं उनके, ये हिमालय वाले को गाड़ रहे हैं। मुंह फट जाएगा बेटा अगर ये जम गया तो। और ये यहाँ पे रील देख रही हैं, कौन कौन सी रील बनाई जाए भाई। इस साइड धूप भी अच्छी है और स्नो भी अच्छी है कि नहीं, इतना ठंडा नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही आप उधर जा रहे हो ना, जैसे लगता हाथ गायब हो जा रहे हैं। देखो हाथ, अब मम्मी लोग को भी बुला लिया इधर पे, उन्हें पत्थरों पे बैठेंगे लोग, हम लोग ये जो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी है ना, जो रौनक ने किया था, ये 500 रुपये की है, और मेरे ख्याल से स्क्रीनिंग वाली वो महंगी होगी, वो भी पूछ के बताऊँगा। अगर आप मनाली आ रहे हो तो आप कुकसर ना जाओ, ना शिशु जाओ, यांगला स्नो पॉइंट जाओ, ये बहुत अच्छा है। ये देखो, और सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, यहाँ पे फर्जी के पैसे भी मिलते हैं। यहाँ पे भाई आइस इतनी जम गई है कि स्लिप हो रही है, मैं 2 बार गिर चुका हूँ, ये देख रहे हैं पूरी ब्लैक आइस बन गई है। तो बहुत आराम चलने वाला है, एक तो मैं सिया को गोदी भी ली हूँ। अरे मैं आ नहीं पा रहा हूँ यार, क्या हुआ, यहाँ पे शूट चल रहा है, फोटो शूट या वेडिंग शूट जो भी हो चल रहा है ऊपर, और सिया कह रही पापा आराम चलो, है ना सिया, कैसे चलें? आराम से चलना, छोटी बच्ची है गिर जाएगी। ये देखो ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन पापा मुझे भी चला दो ना। हाँ मुझे लेना है बेटा ड्रोन, मुझे लेना है ड्रोन, हाँ दिला दे ड्रोन। हमारा एडवेंचर हो गया पूरा, अब हमारा नया एडवेंचर रोड ट्रैकिंग चालू हो गई है, तो हमारे आगे जा रहा है क्रिएटा वाला,
तो भाई हम फिर काहे टेंशन ले रहे हैं, हमारे पास तो स्कॉर्पियो है, वो भी फोर बाय फोर। तो जब क्रिएटा लिए जा रहा है तो हमें तो फिर वीडियो बंद कर लेनी चाहिए, हम रोड पर पहुंच के आपको दिखाते हैं। स्नो का आलम ये है, स्नो तो नहीं है, ये आइस बन चुकी है पूरा। मेरे ख्याल से यहाँ पानी का बहाव है, कुछ जैसा लग रहा है नार्निया के जंगल में आ गए हम। नार्निया की मूवी है वैसी की तरह लग रहा है बिल्कुल, लेकिन वहाँ तक कोई जा तो सकता नहीं भाई, क्योंकि बिल्कुल ये आइस बन चुकी है जो फ्रिज के अंदर होती है। उधर पेड़ है, वहाँ पे भी पानी आता होगा, वहीं भी जाती है। ये सब पानी का है, ये स्नो नहीं है, ये पानी जो है आइस बन गई है। ये जहाँ जहाँ पानी जा रहा है ना वो आइस बनता जा रहा है, क्योंकि रात में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री से नीचे चला जाता है, 20-22 मैंने देखा है। तो उसका ये है पूरा आइस बन गया बिल्कुल, ये पूरा पानी बह रहा है यहाँ पे। मैं बंटाले पे आ गया हूँ और यहाँ से पूरा दिख रहा है, सिर्फ इतने एरिया में, बस और कहीं नहीं है। बाहुबली में जैसे नहीं था जब प्रभास ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पे ऐसे ही बर्फ होती। ये है शिशु लेक, ये पूरी फ्रोजन है और यहाँ पे आपको कहीं भी कोई टूरिस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि हिमाचल शिशु में भी टूरिस्ट बैंड है। 15 जनवरी से 28 फरवरी तक इन्हीं कोई देव की पूजा है, तो उसके चक्कर में अभी सारे टूरिस्ट स्पॉट बंद है। अभी हम जहाँ गए थे यांगला स्नो पॉइंट, अगर आप आते हैं तो उधर वहाँ जा सकते हैं, वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी कुछ है नहीं। कितनी स्नो पहाड़ों पर है और ये पूरा फ्रोजन हो गया है और यहाँ पे कोई भी स्नो नहीं है इस साइड। ये सामने आपको दिख रहे होंगे हॉट एयर बलून जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मल्टी कलर। तो हम लोग ने जो है गाड़ी लगाने की यहाँ जगह नहीं मिली हमें, तो हमने दूर से ही वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। अभी हम इसके बगल से निकलेंगे, देखिए कितने सुंदर हॉट एयर बलून है और एक गाड़ी फंस गई है, बंदे ज्यादा थे तो अब धक्का लगाया जा रहा है, तो ये भी आप साथ में देख सकते है। कौन सी गाड़ी है ये? Hyundai की i10। और सामने देखिए तीन हॉट एयर बलून है जिसमें से दो उड़ने को राजी है, एक अभी नहीं भरा। बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और कभी ना कभी मैं इसको जरूर करूंगी। लग रहा था सब एक ही है लेकिन अलग अलग है, दूर से लग रहा था कि तीनों एक ही जगह है। और हॉट एयर बलून लेकिन ये अलग है, आई लव मनाली लिखा है इस पे। और पहले मनाली में सिर्फ एक ही था, वो उस साइड था बस स्टैंड की साइड, उससे पहले मनाली था। देखिए स्टेबल है और ये स्टेबल ही रहते हैं, हमें लगा था कि उड़ के कहीं जाते होंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको प्रॉपर तरीके से डोरियों से बांध रखा है, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रिंग हैं जो बंधी हुई हैं, जिसके से ही यहाँ जमीन से कनेक्टेड है। बस ये आपको यहाँ से मनाली का व्यू मिलेगा, आप ऊपर चढ़े जाइए और यहाँ जाके हॉट एयर बलून, हाँ देखिए मैं सही थी, नहीं चार ही नहीं पाँच है, पाँच स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है, अच्छा लग रहा है। आई लव मनाली इस पे भी लिखा हुआ है, सब पे लिखा है मनाली का ही है ना। और नीचे ये तबाही जो हुई थी ये भी देखिए साथ में, ये देखिए रोड टूट गई थी और देखो कितने गैस का सिलेंडर रखते हैं। अब हम आ गए हैं बतिस टेंपल, शिशु से घूमते हुए वापस करीबन 5 बज रहे हैं, हमने कहा लाओ बतिस टेंपल को भी अभी कर लेते हैं, क्योंकि कल हम निकल जाएंगे सुबह हडम्बा घूमते हुए, फिर आगे कहाँ जाते हैं उसका प्लान नहीं बना अभी। ये है वशिष्ठ टेम्पल, सिया ने खरगोश पकड़ लिया। सिया बेटा यहीं के लिए फोटो खिंचाने के लिए, ले जाने के लिए नहीं, ले ले रौनक तू ही डरता है, फोटो खींचो। अब हम आ गए, अब अंदर जाएंगे, जूते चप्पल उतारते हैं फिर अंदर जाना पड़ेगा। ये वशिष्ठ टेम्पल है अंदर से, उधर मेंस का नहाने का बात है उस साइड, और इधर टेम्पल है, ये दान पेटी इधर, ये पूरा टेम्पल है, प्राचीन मंदिर है बहुत। देखिए यहाँ आवाना बन होता है, इसका जो आर्किटेक्चर बना है ना वो बहुत प्यारा बना है ना। इस साइड है वशिष्ठ टेम्पल और ये है राम टेम्पल, ये पूरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम। रोना छोटा पड़ गया।
उछल के बजाइए। और इधर फोटो शूट हो रहा है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? पानी बहुत गर्म था ना? कहा जाता है कि अगर आप यहाँ के पानी से नहाते हो तो आपकी स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो चली जाती है। तभी तुम मुंह धोने गई थी? हाँ, मैं मुझे मेरे होटल वाले ने बताया था कि मैम यहाँ पे ऐसी मान्यता है तो मैं नहा नहीं सकती थी, ठंड बहुत है तो मैं मुंह धोया। और सिया तुमको क्या चाहिए? सिया को पर्स चाहिए। सिया को पर्स चाहिए, कहाँ है पर्स? आते हैं, चलो आगे चलाते हैं। आती हूँ जो राइट साइड रास्ता जा रहा है वो आता है दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, जैसे हम आए वहाँ से। और ये देखिए, ये टैक्सी वाला भी मुड़ गया हमारे साथ, हम जा रहे हैं जीबी। तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सफर कैसा है?